Today I am going to start airport engineering lecture for GATE 2019. Before going to start, I introduced myself, Saurabh Kumar, pursuing my M.Tech from IIT IISc Dhanbad in Geotechnical Engineering. Okay. Airport engineering added in GATE 2017, there are possibility to ask 2-3 questions from this airport engineering topic. Okay. So according to GATE syllabus, there are only 2 topics are mentioned. Okay. The first topic is design for runway length and the second is design of taxiway. Okay. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में हमें सबसे पहले एयरपोर्ट को समझना पड़ेगा कि एयरपोर्ट होता कैसा है. ओके, तो दिस इज द होल लेआउट ऑफ द एयरपोर्ट. ओके, बेसिकली इट कंसिस्ट 3 पार्ट्स. वन इज द लोडिंग एप्रॉन, वन इज द रनवे लेंथ एंड वन इज द टैक्सीवे. ओके, दिस इज अ टर्मिनल एरियाज जहाँ से यहाँ पे एरोप्लेन्स लगे होते हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरोप्लेन्स लगे होते हैं और हम यहाँ पे जो भी अपना सामान रखना है अपना, हम खुद यहाँ पे चढ़ते हैं. उसके बाद क्या होता है कि ये एरोप्लेन यहाँ से ऐसे जाती है और ये ऐसे जाती है और फिर ये टेक ऑफ करता है. ठीक है, अगर उधर से कुछ आ रही है एरोप्लेन तो वो लैंड करेगी, फिर इधर इस टैक्सी वे से होते हुए फिर यहाँ पे ये आ जाएगी. तो ये था हमारा एयरपोर्ट, बेसिकली द होल लेआउट ऑफ द एयरपोर्ट. ओके, तो हमें क्या करना है, हम वी आर ओनली इंटरेस्टेड टू डिज़ाइन दिस रनवे लेंथ और दिस टैक्सी वे डिज़ाइन. ओके ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर द डिज़ाइन स्पीड ऑफ द रनवे. ओके, तो वेन वी आर गोइंग टू डिज़ाइन द रनवे वी माइट हैव कंसिडर 350 किलोमीटर पर आवर इज़ द स्पीड, इज़ द डिज़ाइन स्पीड ऑफ रनवे. ये हमें याद रखना है कि जो डिज़ाइन हम करते हैं एयरपोर्ट की रनवे की, तो उसमें जो डिज़ाइन स्पीड हम एज्यूम करते हैं 350, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे. ओके, उसके बाद हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, जो जनरली लेंथ ऑफ जो एयरक्राफ्ट जो होता है वो 30 से 40 मीटर के आसपास होता है. ओके, अब जब हम एरोप्लेन की बात करें, एयरपोर्ट से बात करें, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो होता है वो होता है विंड फैक्टर. विंड फैक्टर आर ऑल्सो कंसिडर्ड. हम ऐसे ही किसी भी लोकेशन पे एयरपोर्ट नहीं बना सकते, वहाँ की विंड कंडीशन कैसी है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि विंड अफेक्ट करता है एयरपोर्ट मूवमेंट को, एरोप्लेन के मूवमेंट को. तो डैट्स वाई विंड सर्वे आर वेरी नेसेसरी फॉर डिज़ाइन एयरपोर्ट. ओके, तो जो विंड सर्वे का जो डाटा होता है वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव विंड रोज डायग्राम. व्हाट इज़ विंड रोज डायग्राम. ओके, विंड रोज डायग्राम बेसिकली इट इंडिकेट्स बेसिकली अ डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड द इंटेंसिटी ऑफ द विंड्स. ओके, कि किस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रहा है, किसकी इंटेंसिटी कितनी है. ओके, तो इट रिप्रेजेंट बाय दिस इज़ द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट कंसेंट्रिक सर्कल. देयर आर कंसेंट्रिक सर्कल एंड देयर आर द रेडियल साइन. The radial lines indicates the direction of wind, whereas the concentric circle indicates the duration of wind. Okay, so we are not interested to much go in depth of Windrose diagram because there are only possibility to ask a single question, what is Windrose diagram. So basically you say that this is a diagram which represents the direction of wind and the intensity of the wind. That's it. ठीक है, ओके. जब हम एयरपोर्ट के डिज़ाइन करते हैं तो जैसे हम RCC की डिज़ाइन करते थे तो हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड को फॉलो करते थे. ठीक है, तो यहाँ पे भी ICAO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसने कुछ स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, इसके स्टैंडर्ड्स पे हम कुछ जो भी हमें रनवे की डिज़ाइन करना होता है हम उसको डिज़ाइन करते होंगे. तो आइए चलते हैं कि बेसिक रनवे लेंथ की डिज़ाइन कैसे करते हैं सबसे पहले. तो ओके,
तो कुछ एजम्पशंस पहले थे, पहले हम उस एजम्पशंस को डिस्कस करते हैं। जो जो पहला एजम्पशंस था वो ये था कि जो रनवे था उसको उन्होंने माना कि ये जो रनवे है वो हमारा मीन सी लेवल पे होना चाहिए। जो रनवे है, जो रनवे की डिज़ाइन हम कर रहे हैं बेसिकली, वो मीन सी लेवल पे होना चाहिए। दूसरा एजम्पशन ये माना था कि नो विंड इज़ फ्लो, नो विंड इज़ ब्लो अलॉन्ग द रनवे डायरेक्शन। मैंने अभी बताया था कि जो विंड का जो इफेक्ट होता है वो एयरपोर्ट के डिज़ाइन में बहुत ही मैटर करता है। तो जब हम ICAO था, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो एजम्पशंस में लिया था, उसने ये लिया था कि जो विंड, कोई भी विंड फ्लो नहीं करना चाहिए अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रनवे। जो तीसरा एजम्पशंस था, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर हमें याद रखना है, नो ग्रेडियंट ऑन रनवे, रनवे पे कोई भी ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक रनवे की डिज़ाइन। ओके, तो रनवे की जो डिज़ाइन होती है उसमें सबसे पहले आपको क्या गिवेन होगा, जो आपको गिवेन होगा सबसे पहले वो बोल देगा कि आपको बेसिक रनवे लेंथ गिवेन होगा एट मीन सी लेवल। बेसिक रनवे लेंथ एट मीन सी लेवल, ये कुछ भी हो सकता है, अराउंड मान लो 3000 मीटर है, ये आपको गिवेन रहेगा। ठीक है, अब वो बोले, ये चूंकि मीन सी लेवल पे गिवेन है तो आपको ये बोलेगा, लेकिन जो मीन सी लेवल है आपका, मान लिया पहले कुछ दिन मतलब पहले तो ये मुंबई में था, ठीक है, अब शायद दुबई हो गया है, तो कंडीशन अलग है, मुंबई का अलग है। हम वी आर इंटरेस्टेड टू डिज़ाइन एयरपोर्ट रनवे डिज़ाइन इन दिल्ली, तो क्या है कि मीन सी लेवल से ये कुछ ऊंचे ऊंचाई पे है, ठीक है, हो सकता है कुछ नीचे भी हो, कुछ ऐसी जगह हो, नहीं कह सकते, ठीक है। तो हमें, वी आर ओनली इंटरेस्टेड टू डिज़ाइन ऑन सम हाइट। ओके, तो आवर क्वेश्चन इज दैट द डिज़ाइन ऑफ रनवे लेंथ, डिज़ाइन ऑफ रनवे लेंथ एवव एवव 400 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल, मीन 400 मीटर हाइट, HEIGHT, हाइट एवव एवव फ्रॉम मीन सी लेवल। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें रनवे की डिज़ाइन यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं, हमें क्या करना है, हमें कुछ करेक्शंस फैक्टर अप्लाई करने, जैसे हमने जो एजम्पशंस एज्यूम किए थे उन्हीं एजम्पशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे कुछ ऊपर हाइट आए, ठीक है, तो जब हम हाइट आ रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर का कंडीशन कुछ और होगा, हमारी डेंसिटी कुछ और होगी, प्रेशर कुछ और होगा, तो इन सब के इफेक्ट को काउंट करके जो ICAO ना ICAO जो था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने कुछ करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। तो उसने पहला करेक्शन फैक्टर दिया था एलिवेशन का, तो उसने ये बोला था करेक्शन, एलिवेशन करेक्शन। ओके, एज एलिवेशन मतलब हम जब मीन सी लेवल से कुछ ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, जो प्रेशर और डेंसिटी का जो होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज करता है, ठीक है। जब प्रेशर और डेंसिटी जब डिक्रीज करेगा तो जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है उसको क्या मतलब, उसको रिक्वायर्ड मोर लेंथ, मतलब टू टेक ऑफ या टू स्टॉप, मतलब कोई लैंडिंग कर रहा है तो एयरक्राफ्ट जो है वो क्या हो रखा है, उसकी डेंसिटी कम हो रखी है, क्योंकि ऊपर में डेंसिटी कम होती है और प्रेशर भी कम होता है, तो उसको क्या चाहिए, मोर लेंथ रिक्वायर्ड टू स्टॉप। तो क्या करते हैं, जब हम कुछ हाइट ऊपर जाते हैं तो हमें एक करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना पड़ता है, और वो करेक्शन फैक्टर जो ICAO ने रिकमेंड्स किया है वो ये किया है कि फॉर एवरी 300 मीटर एलिवेशन राइज इन एलिवेशन, फॉर एवरी 300 एलिवेशन राइज इन एलिवेशन रनवे लेंथ इज इंक्रीज बाई 7%। मतलब इनका ये कहना है कि जब हम मीन सी लेवल से 300 मीटर ऊपर जाते हैं तो जो रनवे लेंथ है वो 7% इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि जो हम 300 मीटर मीन सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं तो जो हमारा रनवे लेंथ है, रनवे लेंथ वो क्या हो रहा है, रनवे लेंथ इंक्रीज बाई 7%। ओके, तो हाउ अप्लाई, हमने पहले एज्यूम किया कि मीन सी लेवल पे हमारा जो रनवे लेंथ है वो क्या है, 3000 मीटर है। ओके, और हम वी आर इंटरेस्टेड टू डिजाइन हेयर 400
एबव द मीन सी लेवल। ओके, तो हमें पता है कि जब 300 मीटर ऊपर जाते हैं तो जो हमारा रनवे लेंथ है वो 7% इंक्रीज करता है। ओके, तो जब हम 1 मीटर हाइट ऊपर जा रहे हैं तो ये कितना इंक्रीज करेगा? 7/300। सिंपल, वी हैव टू अप्लाई एकिक नियम रूल, पढ़ा होगा। तो ये फिर हम 400 मीटर पे हम इंटरेस्टेड हैं डिज़ाइन करने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? 7/300 × 400, यानी कि जो हमारा रनवे लेंथ है वो 28/3% क्या हो जाएगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम टोटल, हमारा जो रनवे लेंथ आएगा यहाँ पे, टोटल रनवे लेंथ, ओके, तो ये जो हो जाएगा वो 3000 तो पहले से ही था, लेकिन हमें इतना क्या करना पड़ेगा इसका? 3000 का 28/3% क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, देखिए कितना, 10, यानी कि ये हो जाएगा 283,280 मीटर। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, डोंट वरी। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि एलिवेशन करेक्शन फैक्टर कैसे अप्लाई करना है। हमें क्या करना है, हमें उन्होंने जो ICAO ने जो रिकमेंड्स किया है, उन्होंने ये बोला कि जब हम मीन सी लेवल से 300 मीटर ऊपर जा रहे हैं, मीन सी लेवल से 300 ऊपर जा रहे हैं, तो हमारा जो बेसिक रनवे लेंथ जो मीन सी लेवल पे है वो क्या हो जाएगा? वो 7% बढ़ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने माना, हमारा जो क्वेश्चन ये है कि 3000 मीटर मीन सी लेवल पे गिवन था और वी आर इंटरेस्टेड टू डिज़ाइन 400 मीटर एबव द मीन सी लेवल। ओके, तो कितना हो जाएगा? तो हमें पता है कि 300 मीटर ऊपर जाने पे 7% बढ़ जाएगा, तो 1 मीटर ऊपर जाने पे 7/300, तो 400 मीटर ऊपर जाने पे ये 28/3% रनवे लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो टोटल रनवे लेंथ होगा आफ्टर अप्लाई एलिवेशन करेक्शन फैक्टर, ये कितना हो जाएगा? 3000 + 3000 × 23 का उसका 28/3%, तो दिस इज दिस। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारा हुआ एलिवेशन करेक्शन फैक्टर, जो पहला करेक्शन फैक्टर था। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे करेक्शन फैक्टर पे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा जो करेक्शन फैक्टर है वो टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है ऊपर जाने पे डिक्रीज करता है। आपने नॉइज पॉल्यूशन में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या, कितना डिक्रीज करता है? तो सबसे पहला इसमें जो चीज़ें आती हैं, जो हम, जैसे हमने माना था ना कि जो हमारा हम मीन सी लेवल पे डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जो ICAO ने जो डिज़ाइन किया है वो उसको भी कंसीडर किया है, टेम्परेचर इफेक्ट को। लेकिन इसने आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एलिवेशन करेक्शन फैक्टर हम टेम्परेचर करेक्शन को अप्लाई करेंगे। लेवल जो मीन सी जो लेवल है उसको, मीन सी लेवल पे जो हमने टेम्परेचर माना है वो 15 डिग्री सेल्सियस माना है एज पर इंडियन क्लाइमेटिक। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीज़ें होती है। एक तो होती है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है वो मीन सी लेवल पे क्या होता है? 15 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं, मीन सी लेवल से ऊपर आते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर विल डिक्रीज इफ गो अप। ठीक है, फॉर एवरी 1 किलोमीटर राइज इन एलिवेशन देर इज डिक्रीज इन 6.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब इसका ये कहना है कि जो टेम्परेचर जो ऊपर जाने पर डिक्रीज करती है वो इस रेट से करती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करती है। ओके, मतलब इसका ये कहना है कि जब आप 1000 मीटर ऊपर जाओगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करेगी। तो जो वो, ये जो क्वेश्चन था हमारा कि हम क्या गए थे, हमें डिज़ाइन करनी है कितनी, 400 मीटर पे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 400 मीटर पे कितना टेम्परेचर है ये पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप निकाल लो 1 मीटर जाने पे कितना टेम्परेचर डिक्रीज करना है, इतना करेगा। तो 400 मीटर जाने पे जो आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा वो कितना करेगा, इतना करेगा। ठीक है, तो आप ये सॉल्व कर लो। ठीक है, 6.5 × 4/10, आई होप 20 और, ठीक है, आई थिंक 2.6% 2.6 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करेगा। ओके, तो जो 400 मीटर हाइट पे जो आपका टेम्परेचर है, SAT स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस जो भी हो 6.5 / 1000 × 400
100, ठीक है। तो ये आ गया आपका इन डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि आप जब हाइट कुछ ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर डिक्रीज करती है, और उसका जो डिक्रीज का जो रेट है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करती है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें SAT कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसमें एक और चीज़ आती है, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या होता है? एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर एक फार्मूला है जो ICAO ने दिया था, वो क्या है, TA प्लस TM माइनस TA/3। ओके, TA क्या है? TA है मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर फ्रॉम द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, और TM क्या है, मंथली मीन। अब पहले तो ये समझ लो कि A स्टैंड फॉर एवरेज और M जो है वो मैक्सिमम। तो जैसे उसने बोल दिया कि एक मंथ का डाटा दे दिया, ठीक है, एक मंथ का डाटा दे दिया, या फिर वो एक दिन का भी डाटा दे सकता है, वो कुछ भी, वो डायरेक्ट TA और TM की वैल्यू देगा। मैक्सिमम और एवरेज आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं है तो वो क्या पड़ेगा, एक मंथ का पूरा डाटा देगा 30 दिन का, उसमें आपको टाइमिंग भी दे सकता है, 9 बजे, 12 बजे, 6 बजे, ठीक है। उसमें आपको टेम्परेचर देगा, आपको देख, अब जनरली आपको पता है कि 12 बजे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आप उसका वो करोगे, एवरेज ले लोगे, तो वो हो जाएगा एवरेज, ये हो जाएगा मैक्सिमम। तो आप ART कैलकुलेट करना। डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपसे डायरेक्ट ये पूछ ले कि कैलकुलेट ART, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज प्लस मैक्सिमम माइनस एवरेज बाई 3, ठीक है। तो आपने ART भी कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, जो ART माइनस SRT जो कैलकुलेट किया है ये कुछ डिग्री सेल्सियस आएगा, तो जितना डिफरेंस आएगा उतना रनवे लेंथ को आपको फर्दर इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप, आपकी आई, आपने कैलकुलेट किया आपकी SAT आई, मान लिया कितना आया, मान लिया लेट 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 आपका SRT आ गया आपका 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ART आ गया 15 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या करना है, ART माइनस SRT करना है, तो कितना आएगा, ये 3 डिग्री सेल्सियस है। तो उसने ये बोला जो इसका जो डिफरेंस आ रहा है, जितना आएगा उतना परसेंट रनवे लेंथ को इंक्रीज करना है, तो आपको रनवे लेंथ कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 3% इंक्रीज द रनवे लेंथ। ओके, तो एक यहाँ से एक और चीज़ है, अब 3% इंक्रीज करना है रनवे लेंथ किस पे, थ्री जो हमारा बेसिक जो पहला क्वेश्चन था इस पे, या फिर आफ्टर करेक्शन इस पे। तो एक चीज़ याद रखना, हम क्या करते हैं, इस पे आफ्टर अप्लाई द एलिवेशन करेक्शन, जो टोटल बेसिक रनवे लेंथ आया ना, उसके उस पे हम टेम्परेचर का करेक्शन अप्लाई करेंगे, यानी कि 3280, यानी कि आफ्टर जो टेम्परेचर करेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3280 प्लस 3280 का 3%, ठीक है। तो ये जो भी आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर करेक्शन, ठीक है, टेम्परेचर करेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, ठीक है, अब हम आते हैं, अब तीसरा जो पॉइंट था, तीसरा जो था वो ये था, ICAO ने जो दिया था वो ये दिया था। अब हमें रुक जाना है, हमें क्या करना है, हमें रुक जाना है। ICAO ने उसके बाद तीसरा पॉइंट ये बोला था, ये क्या बोला था, इसने ये कहा था कि जो टोटल करेक्शन होगा फॉर एलिवेशन एंड टेम्परेचर शुड नॉट बी एक्सीडेड 35% ऑफ द बेसिक लेंथ। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो आप करेक्शन अप्लाई कर रहे हो, आपने एलिवेशन अप्लाई किया, एलिवेशन करेक्शन प्लस टेम्परेचर करेक्शन, इसके बाद जो आपकी लेंथ आई समथिंग रनवे लेंथ, ठीक है, और आप क्या करोगे, जो आपकी जो इनिशियल थे इसकी 35% निकालोगे, 1050 प्लस 3000 जो इनिशियल थी टोटल आप जोड़ दो, 4050। तो ये जो लेंथ आनी चाहिए वो इससे कम होनी चाहिए, मतलब 35% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए रनवे लेंथ, ये ICAO ने कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है ये कभी भी गेट पूछ सकता है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आप याद रख लेना कि जो टोटल करेक्शन फॉर एलिवेशन एंड टेम्परेचर शुड नॉट बी एक्सीडेड 35% ऑफ द बेसिक रनवे लेंथ। ओके, एक करेक्शन फैक्टर और है, क्योंकि हमने एजम्पशंस में ये माना था कि हमने इफेक्टिव ग्रेडियंट को कंसीडर नहीं किया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन फॉर इफेक्टिव ग्रेडियंट भी अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ये याद रखना कि ये ICAO ने रिकमेंड्स नहीं किया था, इसको जो रिकमेंड्स किया था उसने FAA फेडरल एविएशन एजेंसी ने
कंसीडर किया था इसके इफेक्ट को, ठीक है। तो मान लिया आपका एयर बेसिक रनवे लेंथ ऐसा है जहाँ पे फर्स्ट आरएल और लास्ट आरएल, तो जो इफेक्टिव ग्रेडियंट होगा वो फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल अपॉन रनवे लेंथ होगा। आपको पता है आरएल इनका डिफरेंस वैसे ही कम होगा, रनवे लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा, बहुत ही कम आएगा। ओके, तो इसने ये बोला कि फॉर एवरी 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट रनवे लेंथ इज इंक्रीज बाई 20%। समझ में आ रहा है, ये लाइन आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे आपने इसको सॉल्व किया, आपके आए कुछ इफेक्टिव ग्रेडियंट 0.5, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अगर 1 के लिए 20% है तो 0.5 के लिए 10%, तो आप 10% फिर से बेसिक रनवे लेंथ इंक्रीज कर दोगे आफ्टर जो टेम्परेचर करेक्शन के बाद जो आपका आया था रनवे लेंथ, ठीक है। तो आपका ये हो गया डिजाइन ऑफ रनवे लेंथ। इससे ज्यादा गेट नहीं पूछेगा कुछ भी, ठीक है, गेट में इतना है, सफिशियंट है, ठीक है। अब हम आते हैं टैक्सी वे की डिजाइन। अब टैक्सी वे में आपने देखा होगा वो जो, सॉरी मैंने बताया नहीं था, जो टैक्सी वे जो ये होती है, जो ये जो टैक्सी वे है, ठीक है, ये जो टैक्सी वे है ये कर्वेचर होता है, ये कर्व होता है, ठीक है। तो ये हम वी आर ओनली इंटरेस्टेड टू डिजाइन टैक्सी वे। तो टैक्सी वे में हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रेडियस निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो कुछ एम्पेरिकल फार्मूला है जो आईसीए ने रिकमेंड किया था, तो आपको ये याद रखना है। आप या तो डायरेक्ट याद रख सकते हो वी स्क्वायर अपॉन 125 एफ, एफ की वैल्यू आपको याद रखना है 0.13 और वी जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट था, हॉरेन जेफ इक्वेशन है वो, आर का इसने ये दिया था 0.388 कैपिटल डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन टी बाई टू माइनस एस। आप टर्म समझ लो, जो कैपिटल डब्ल्यू है वो विड्थ ऑफ द व्हील बेस है, ठीक है। ये देख लो आप, ये फ्रंट गियर है, ये एरोप्लेन का लेआउट है, दिस इज द फ्रंट गियर एंड दिस इज द रियर गियर या मेन गियर कह सकते हैं, ठीक है। तो जो फ्रंट गियर का जो और जो रियर गियर है, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो होगी उसको बोलते हैं डब्ल्यू, विड्थ ऑफ द व्हील बेस हो गया। टी जो हो गया वो विड्थ ऑफ द टैक्सी वे हो गया, ठीक है। और एस जो हो गया वो क्या हो जाएगा, स्पेसिंग बिटवीन मिडवे ऑफ मेन गियर टू द इनर एज ऑफ द टैक्सी वे, ठीक है। आप समझ जाओगे, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट इनकी वैल्यू गिवन होगी, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। कुछ और क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं, जैसे आ सकते हैं कि लेंथ ऑफ द एंट्रेंस कर्व क्या होता है, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व वी क्यू अपॉन सी आर, और सी की वैल्यू 0.39, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे वी जो है वो मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। यहाँ पे जो वी है, यहाँ पे जो वी था वो क्या है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब एक आता है लेंथ ऑफ एंट्रेंस कर्व, ये हमने बता दिया। अब दूसरा आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है, वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ डी। डी जो है यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डी है वो है डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन यानी कि इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा, और वी जो है वही मीटर पर सेकेंड में है। तो ये आपका पूरा एयरपोर्ट है, इससे ज़्यादा एयरपोर्ट में और कुछ नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज करी है, मीडीजी वगैरह वगैरह, तो इतना ही सफिशियंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वी स्क्वायर बाई 2D, ओके। बजर 2017 अ क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग एंड द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द डिज़ाइन ऑफ बेसिक रनवे लेंथ, सो हेयर बी सॉल्व। ओके, द क्वेश्चन इज A runway is being constructed in a new airport as per International Civil Aviation Organization. Okay, ICAO recommendation के according एक runway को हमने construct करना है. The elevation and the airport reference temperature of this airport. Okay, the elevation and the airport reference temperature. That means कि ART and the elevations are given. The elevation and the airport reference temperature of the airport are 535 मीटर एवम, मतलब कि हमें जो रनवे की डिज़ाइन करनी है वो कब कहाँ पे करनी है, वो 535 पे करनी है, यानी कि जो हाइट दे रखी है, हाइट तो दे रखी है 535 मीटर पे दे रखी है। ओके, अब ये जो बोल रहा है कि एयरपोर्ट कोची एआरटी जो है वो दे रखा है तुम्हें, कितना एआरटी जो है, एआरटी आपको डायरेक्ट दे रखा है 22.65 डिग्री सेल्सियस। एक बार हम रिवाइज करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी ए प्लस टी एम माइनस टी ए बाई 3, पर ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली दे रखा है। ओके, अब वो बोला है कंसीडर द इफेक्टिव ग्रेडियंट, अब वो उसने बोला है इफेक्टिव ग्रेडियंट,
ठीक है, मैंने इसका भी करेक्शन बताया था, इफेक्टिव ग्रेडियंस इसने 1% बोल रखा। ठीक है, द लेंथ ऑफ रनवे रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन एयरक्राफ्ट अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन इज इतना, यानी कि जो आपका बेसिक रनवे लेंथ एट मीन सी लेवल है वो आपको गिवन है 2000 मीटर। ओके, विद अ फ्रेमवर्क टू अप्लाई द सिक्वेंशियल करेक्शन, मतलब कि वी हैव टू अप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिवेशन करेक्टर, आफ्टर दैट वी अप्लाई टेम्परेचर करेक्शन। ओके, एज पर ICAO रिकमेंडेशन द लेंथ ऑफ द रनवे लेंथ आफ्टर फॉर द टेम्परेचर इज ओके। तो पहली चीज, अगर ICAO ने बोला है तो हमें सिर्फ दो ही चीज माइंड में आना चाहिए, एक तो एलिवेशन करेक्शन फैक्टर एंड द सेकेंड इज द टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर। इफेक्टिव ग्रेडियंट का हम बात नहीं करेंगे, वैसे उसने क्वेश्चन भी लिख दिया है द लेंथ ऑफ रनवे करेक्टेड फॉर द टेम्परेचर इज ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले करेक्शन फॉर एलिवेशन अप्लाई करना है, करेक्शन फॉर एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन ओके, कितना हमें पता है कि 300 मीटर ऊपर जाने पे कितना होता है, 7% रनवे लेंथ इंक्रीज करना होता है। ओके, तो 1 मीटर में कितना करेंगे, 7/300, तो हमें कितना ऊपर जा रहा है, 535, तो 7 × 535/300 इतना परसेंट हमें रनवे लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखिए इसका जो वो है, ये टोटल कितना हो जाएगा, ओके ये जो भी आएगा 7/100 × 7/100 × जो भी आए, ठीक है इतना परसेंट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो हमारा करेक्टेड लेंथ होगा, ठीक है, करेक्टेड लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 + 2000 का 7 × 535/300 का परसेंट ना, ये तो ये आपका सॉल्व करके लगभग आ जाएगा अप्रॉक्स 2249.67 मीटर। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन मार सकते थे 2249, यानी कि ये कम है, ये भी इससे ज़्यादा ही होगा, ये या ये में कोई भी हो सकता है, तो आपका दो ऑप्शन यहाँ से नेगलेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ यहाँ से, आप तो या तो ट्रिक से जा सकते हैं, ट्रिक से कैसे जा सकते हैं, आप डायरेक्ट 2000 का 30% आप निकाल लो, 35% कितना हो जाएगा, 700 + 2000 यानी कि 2700, 2700 से तो कम ही होना चाहिए बेसिक रनवे लेंथ। ठीक है, तो आपका एक ऑप्शन ये गिवन है 2750, तो ये तो हो नहीं सकता, हमने ये बताया था जो ICAO जो तीसरा पॉइंट बताया था कि जो टोटल करेक्टेड लेंथ है वो क्या होना चाहिए, 35% से लेस होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा 2735% आ गया, तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी हमने कट कर दिया, ये भी कट कर दिया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम लेकिन निकालते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है सबसे इम्पोर्टेंट कैसे निकालेंगे। ओके, तो अब हमने हमारा जो ये लेंथ आ गया, अब हम अप्लाई करेंगे टेम्परेचर करेक्शन। ठीक है, टेम्परेचर करेक्शन के लिए हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, हमें SRT चाहिए ना, SRT कितना होगा, तो देखिए इसमें हमें ये पता है कि जो 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करता है 1000 मीटर जाने पे, यही ना, तो मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 मीटर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करता है, तो 1 मीटर जाने पे कितना करेगा, 6.5/1000, तो जो हमारा लेंथ था वो हाइट कितना जा रहे थे, 535, तो 6.5 × 1000 × 535, तो इतना डिग्री सेल्सियस हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जो हमारा SRT आएगा वो कितना हो जाएगा, 15 − 6.5/1000 × 535 °C। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 11.52 °C। ओके, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवेन था, आपको क्वेश्चन में गिवेन था ART गिवेन था ना, ART कितना गिवेन था, ये था 22.65 अराउंड 22.65 °C। तो अब मैंने ये बोला था कि आपको डिफरेंस लेना है ART - SRT का, तो ये कितना आ जाएगा आपका 22.65 − 11.52, तो ये अराउंड आपका आएगा 11.13 डिग्री
सेल्सियस, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, मैंने ये बोला था कि इनका जो भी जितना, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस पे 1 डिग्री 1% हमें रनवे लेंथ इंक्रीज करना है। तो जो फर्दर रनवे लेंथ इंक्रीज होगा, रनवे लेंथ इंक्रीज बाय 11.13%, तो जो फाइनल हमारा जो रनवे लेंथ आएगा वो टेम्परेचर करेक्शन के बाद कितना था, 2249.53 था। अब इसका क्या करना पड़ेगा, 2249.53 का 11.13% आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो अराउंड आपका आ जाएगा 2500 मीटर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, थैंक यू। इससे ज़्यादा और एक टैक्सी वे पे नोमेरिकल बनते हैं, वो सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फॉर्मूला याद करो और आप प्रैक्टिस करना टेस्ट सीरीज में, अगर कभी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू।